फ्रेंड्स, ये हमारे पास 14 प्लस 14 कॉइल का 14 mm का सीलिंग फैन का स्टेटर, इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे एल्युमिनियम डेटा के साथ। तो एल्युमिनियम में कितनी टर्न्स पड़ेंगी और किस नंबर से हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपको दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपको और भी बेहतरीन वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास उमंग बधानी कंपनी की मशीन, कंपनी क्लेम करती है कि इससे हम एल्युमिनियम के तार से पंखे की रिवाइंडिंग कर सकते हैं, तार की टूटने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इससे हम एल्युमिनियम की बाइंडिंग करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि एल्युमिनियम से हम पंखे के अंदर कौन सा डेटा डालेंगे। तो ये हमारे पास 14 प्लस 14 कॉइल का 14 mm का सीलिंग फैन का स्टेटर, इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अभी हमने डाई भी नहीं लगाई, डाई भी लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको सेंटर में कर लेंगे और इसकी जो डाई है इसके अंदर रखी है। तो ये 14 mm का स्टेटर है, इसके अंदर लगेगी हमारी 3 नंबर की डाई। और यहाँ पर इसका ये टायर है, टायर के ऊपर रखने वाला, यानी कि तार वार टूट जाता है तो तार फंस करके नहीं चलता है। पहले मैं तार यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये 35 नंबर का एल्युमिनियम वाला तार है, तार को हमने नीचे रख दिया है। तार को डबल करने के बाद इसको हम यहाँ पर डालेंगे। ये आगे तार यहाँ पर, यहाँ पर इसमें हम बाद में डाल लेंगे नंबे में। तार यहाँ पर आ चुका है, चाहे तो इधर को निकाल सकते हैं, चाहे तो उधर को निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ये दोनों तरफ रोड है तो इससे ये मशीन वाइब्रेट बिल्कुल भी नहीं करेगी, बैलेंस बिल्कुल बराबर रहेगा जिससे तार नहीं टूटेगा। फिलहाल ये हमारा सीन हो गया, इसको यहीं रहने देते हैं। और ये जो तार है हमारा यहाँ पर, इसको नमदे को खींचेंगे और जो ये हमारा नमदा है इसमें हम अच्छे तरह से नया ऑयल लगाएंगे। जब एल्युमिनियम का स्टेटर बाइंडिंग करेंगे तब तो ज़रूरी लगाएंगे, पूरा भिगो लेंगे इसको तेल से। कॉपर में फिर भी लगाते, कॉपर में भी लगाते हैं लेकिन एल्युमिनियम का लगाएंगे तो इसको पूरा डुबो देंगे तेल से। यहाँ पर हम नया ऑयल लगा रहे हैं, मोबिल ऑयल जो बाइक के इंजन में पड़ता है, कोई सा भी मोबिल ऑयल यहाँ पर लगा देंगे। अच्छे तरह से इसको पूरा भिगो देंगे बढ़िया करके। तो अब हम डाई लगाएंगे। यहाँ पर ये दो बोर्ड हैं, एक ये और एक ये, बहुत ही आराम से डाई बाद में लगाएंगे, पहले स्टेटर सेट कर लेंगे। और यहाँ पर इस डाई में ये यहाँ पर होल है और यहाँ पर ये एक नोप लगी है, इसमें डाई सेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको जब हम ऐसे फंसाएंगे डाई आराम से सेट हो जाएगी, बस आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे हिलने का ज़्यादा चांस इसमें है नहीं। ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नोप लगी है रिपीट, इसकी वजह से डाई कम हिलती है। इसको अच्छे से टाइट कर दिया और अब हमें दूसरी साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, बोल्ट लूज़ करेंगे, इधर से ही हमारी डाई दूसरी वाली भी सेट हो जाएगी, उधर वाली भी। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जब हम डाई सेट कर लेंगे तो ये जो डाई है हम इसको ऊपर नीचे हिला करके देख लेंगे। जब डाई को नीचे करेंगे तो नीचे देख लेंगे स्पेस दिखाई दे रही है, और ऊपर वो करेंगे तो ऊपर देख लेंगे स्पेस दिखाई दे रही है। ये डाई सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो डाई हमारी एक बार में ही सेट हो चुकी है और अब ये जो इसका सपोर्टर है, तार ऊपर ना जाए, इसको लूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम ही हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं, इसको हम ज़रूरत के हिसाब से इतना के ऊपर की कोर हल्की सी माइनर सी दिखनी चाहिए। सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी कोर है वो हल्की सी दिखनी चाहिए, इस रोड के नीचे हल्की सी कोर दिखनी चाहिए और इस रोड के ऊपर हल्की सी कोर दिखनी चाहिए, बस ज़्यादा दिखेगी तो तार टूटेगा। सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस वाले टायर को इस टायर के ऊपर हम यहाँ पर रख देंगे, ये कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अच्छे तरह से ऑयलिंग कर दी है, तार यहाँ पर निकल करके यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमने लीड बांध दी है इस तरह से, एक बार दो टर्न डाल करके देख लेंगे। वीडियो पाउज थी वहाँ पर तो दिखाई नहीं दे पाई। अब हम इसको ऑन करते हैं और इसके अंदर जो हम टर्न्स डालेंगे एल्युमिनियम में वो यहाँ पर ऑटो मैनुअल आ जाएगा। अप डाउन डाउन कर लेते हैं, टर्न्स पहले से ज़्यादा सेट है। यहाँ पर ये वोल्टेज मीटर है, तो टर्न्स डालनी है हमें इसके अंदर 330 टर्न्स एल्युमिनियम से। जब पास में आने को होगा तो हल्के हल्के स्लो स्लो कर लेंगे। 330 टर्न्स डालेंगे हम एल्युमिनियम के 35 नंबर वायर से टोटल, एंड रिसेट हमारा राउंड ऊपर को जाने वाला है तो ये
रिवर्स इंडिकेटर के साथ नीचे को दिखाई दे रहे, यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने चाहिए, दो एक दो बार दबाएंगे तो अपनी जगह आ जाएगा। फिलहाल इसको हम ऑन करते हैं, फर्स्ट टाइम हम इसके अंदर एल्युमिनियम का पंखा रिवाइंडिंग करने वाले हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1, 2 एंड 3। ओहो, पहली सेटिंग में ही पहली कॉइल एकदम झकास, तार ढीला है या नहीं अभी पता लगेगा, फिलहाल तो एकदम फिट लग रहा है। और 330 टंस आ गई, मैं तो सोच रहा कि नहीं आएंगी, तो मैं थोड़ी सी बढ़ा दूं अगर जब इसके अंदर इसका इतना चांस है, वरना तो मुझे लग नहीं रहा था कि 330 टंस में ही ये फुल हो जाएगी, मैं तो ये समझ रहा था। यहाँ पर ये जीरो इसलिए हुआ कि दोबारा से बाइंडिंग होना शुरू हो गई दूसरी कॉइल, तो यहाँ पर अभी कॉइल दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल दूसरी सेटिंग, वो दूसरी कॉइल लगा देते हैं, कॉइल ज़बरदस्त आई, अभी दिखा दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर रिवर्स आ गया है और दबाएंगे, ओह मस्त एकदम, क्या सीन है, मतलब फर्स्ट टाइम हम इसके अंदर एल्युमिनियम का स्टेटर बना रहे हैं, और पहली बार की सेटिंग में ही पहली कॉइल में कोई भी जॉइंट नहीं आया, एक भी तार नहीं टूटा है, भाई साहब बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया। दूसरी कॉइल भी पड़ चुकी है, मैं तो ये सोच रहा था कि तार टूटेगा पहली कॉइल में, एक दो बार सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ का तो सीन ही कुछ अलग है। 330 हमने टंस बढ़ाई नहीं दोबारा से, चलो 40 ही कर देते हैं, आ जाती हैं तो ठीक है। तो फिलहाल अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे, और यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि तार जो है टूटने का जो कारण होता है मेन, वो होता है इसकी सेटिंग करेंगे तो आपको कोई भी मशीन में बाइंडिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग की बदौलत ही है कि यहाँ पर एल्युमिनियम का तार भी नहीं टूट रहा और एकदम बढ़िया तरीके से मशीन चल रही है। और अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहें तो यहाँ पर नंबर दिया, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसके प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। ये गजब, इसको ही दबाना है मैं हर बार। यहाँ पर देखो जरा भैया, अभी तक तो कोई जॉइंट आया नहीं है, बाकी आगे का पता नहीं। फर्स्ट टाइम इस मशीन में पहला स्टेटर बन रहा है एल्युमिनियम का, अभी तक तो आया नहीं, देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, सच में यकीन से परे है, क्योंकि पहली बार जब हम स्टेटर बनाते हैं एल्युमिनियम का, तो डाई की सेटिंग फिर भी थोड़ी सी रह जाती है। तो यहाँ पर तो एक बार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह मैंने आपको बताई, अभी दिखा देता हूँ दोबारा से कि इसका ये वाला जो सीन है, यहाँ पर जब हमारी ये डाई फंस रही है, ये इस तरह से ये जो डाई फंस रही है, तो डाई की सेटिंग ज़्यादा करनी हमें नहीं पड़ रही है, तो यहाँ से काफ़ी ये हेल्प मिल रही है। सब कुछ हुआ है यहाँ पर, मगर नहीं हुआ तार का टूटना, गजब। सिर्फ सेकंड लास्ट कॉइल पड़ रही है इस समय, अरे भैया 3 मशीनें हो गई हमारे पास, दबा दब कोई चीज़ से पंखा बनाओ। अब लास्ट कॉइल पड़ रही है, इन्वर्टर से चल रही है, यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं, 184 वोल्टेज दिखा रहे हैं। जैसे ही मैं लाइट को ऑन करता हूँ, लाइट ऑन कर दी है मैंने, और यहाँ पर 205 वोल्टेज आ रहे हैं, इस समय गर्मी के समय में वोल्टेज भी डाउन, वरना नॉर्मली 220 से 230 के आसपास आते हैं। पंखे की बाइंडिंग हमारी स्टार्टिंग वाली कंप्लीट हो गई है, तो पेपर डालेंगे, तो ये 7 नंबर के PVC पेपर की पट्टी जिसको काटा है हमने, 5 सूत आधे इंच से बड़ा, तो इसमें पेपर डालेंगे। बाइंडिंग एकदम बेहतरीन है, मतलब इतनी फिनिशिंग एल्युमिनियम में आई है तो कॉपर में कितनी बेहतरीन बाइंडिंग आएगी। तो ऊपर के पेपर हमने सारे डाल दिए हैं, और जहाँ पर हमारी लीड है ये, यहाँ पर हम पेपर ज़रूर डालेंगे, ज़रूर मतलब ज़रूर, अगर नहीं डालेंगे तो यहीं से एक कॉइल शॉर्ट हो जाएगी बीच वाली, पेपर हमें दोनों ही कॉइल में डालना होगा। तो ये हमने पेपर डाल दिए हैं, और अब हम उसके ऊपर वाले पेपर डालेंगे, अभी बाइंडिंग को टेस्ट कर लेंगे, वैसे बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तार कहीं टूटा ही नहीं है, बाइंडिंग भी अच्छे से आई है। ये हमारे पास रेडीमेड वाले पेपर, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, कहाँ से मंगाएंगे कैसे मंगाएंगे उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
ये वाइंडिंग हमारी बोल रही है, यहाँ पर दो पीस हो गए, तार जलाते हुए टूट गया, स्पार्किंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बाइंडिंग बोल रही है यानी कि बिना तार टूटे। तो अब हम रनिंग की बाइंडिंग करेंगे, पहले हम इस डाई को चेंज कर लेते हैं, डाई खोल लेंगे, उसके बाद स्टेटर लगाएंगे। स्टेटर तीन नंबर की डाई ऊपर वाली होती है, छोटी वाली, इसको हम इसके अंदर रखेंगे एंड इस डाई को यहाँ पर लगाएंगे। कैसे लगाई हमने डाई, ये इसमें डाला, ये लग गई, हो गई सेट। बस खाली यहाँ पकड़ के इसको टाइट कर देना है, आने चालू। ये हमने डबल किया इस तरह से, यहाँ पर बांध दिया। देखते हैं ऊपर में क्या सीन रहता है, तार बाहर को, बाइंडिंग बाहर को आती है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। स्टार्टिंग की बाइंडिंग तो कोई भी कर सकता है, जब रनिंग की बाइंडिंग करते हैं ऊपर वाली बाइंडिंग बाहर वाली बाइंडिंग, तब जो है मशीन बाहर को तार छोड़ती है। ये मशीन छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट होगा देखने वाली चीज़। तो एक बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा दोबारा से ऑयल लगा देते हैं, ऑयल का ध्यान रखना ज़रूरी। एंड क्या था सीन, क्या करना था, टंस हमें बढ़ानी थी 340 से 360 कर देनी है टोटल रीसेट। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऊपर करना है राउंड, तो एक बार राउंड फर्स्ट तो डाल कर देख ही लेते हैं। ऑयल रे, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ तार तो चल रहा है, मैं तो कह रहा तार है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ। तो ये ऊपर की बाइंडिंग हमारी, अभी तो तार टूटा है नहीं, एक कॉइल पड़ गई है। ओहो, कॉइल बाहर को क्यों नहीं आई हुई, मैं तो सोच रहा आ जाएगी। देखो आप, यहाँ पर रखना इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, मशीन की ऊपर दोष ना देना कुछ भी, वो तो हमें पेपर डालने में दिक्कत रहेगी अगर हम वहाँ पर हाथ नहीं लगाते, क्योंकि टंस बाहर आ जाती है तो फिर जो है पेपर डालते ऊपर वाला, तो वहाँ पर पेपर फंसता है और तार टूट जाता है पेपर डालते समय। ये कॉइल कंप्लीट हो गई, और ये आप यहाँ भी देख सकते हैं तार इसमें भी नहीं फंसा, जबकि कॉइल हल्की सी ख़राब है। यहाँ पर 360 टन से डाल रहे हैं हम इसके अंदर 35 नंबर से, मतलब स्टेटर टेढ़ा मेढ़ा में था तब भी तार नहीं टूटा। बताओ हल्का सा एक बार को एक टंस, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मशीन कॉइल जो है तार बाहर को नहीं छोड़ रही है, छोड़ रही है। ये है मशीन की खासियत, डाई की है ये सारा सीन जो होता है। डाई का स्टेनलेस स्टील से डाई है बनी हुई है। अरे चल ही नहीं दिया यार ये, डाई की लाइफ टाइम गारंटी है अगर इस पर जंग पॉलिश आ जाती है तो। मशीन की तो कितनी, 5 साल की गारंटी है, मीटर की 1 साल की वारंटी है वारंटी। लो भैया बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तार नहीं टूटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एल्युमिनियम का तार नहीं टूटा। ये जो सीन होता है वो सारा डाई का होता है और डाई सेट करने का होता है। डाई आपने सेट कर ली ढंग से और डाई अच्छी क्वालिटी की है, डाई का जो मेजरमेंट है वो अच्छा है। इस तरह से लास्ट में इसको डबल यहाँ तक किया हमने, इसको हम यहाँ पर लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। ये यहाँ कर सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है। ले भैया, अरे इसको क्यों खोलना था, हमें तो नहीं भी खोलते उसको।
अब हम इसके अंदर भी पेपर डालेंगे ऊपर वाले। तो ये भी 5 सूत की ही पट्टी है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब हम ऊपर वाले पेपर डालेंगे तो देख लेंगे तार कोई बाहर को तो नहीं, नहीं तो तार ऐसे इस तरह से पेपर डालेंगे तार कट जाता। अगर तार बाहर को है तो कुछ या तो तार सही कर लेंगे, नीचे कुछ रख लेंगे फिलहाल। इसमें पेपर डालेंगे, तो बढ़िया तरीके से हम इसके अंदर पेपर डाल रहे हैं या पढ़ रहे हैं डाल क्या रहे हैं। पेपर हमने सारे डाल दिए और यहाँ पर भी हमने सेपरेटर पेपर लगा दिया है लीडों के बीच में। तो अब हम इसकी वाइंडिंग चेक कर लेते हैं। तार को थोड़ा सा ऊपर से ही जलाएंगे क्योंकि अगर तार टूट गया तो एल्युमिनियम का है, तो अगर ऊपर से टूटा होगा तो हम जुगाड़ कुछ कर सकते हैं। अब ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। ये रही हमारी स्विच, ये है रनिंग बाइंडिंग बोल रही है, अर्थिंग नहीं हो रही है। स्टार्टिंग बाइंडिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग भी बोल रही है, अर्थिंग नहीं हो रही है। अब हम इसके अंदर लीडर निकाल देंगे। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अंदर वाली के अंदर हम ब्लैक कलर की यानी कि काली लीडर निकालेंगे, बाहर वाली के अंदर हम लाल कलर की लीडर निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारी रनिंग है बाहर वाली, अंदर वाली स्टार्टिंग है। और लीडर निकालने के बाद इसके ऊपर हम बार्निश कर देंगे। बार्निश करने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। आप चाहें तो बार्निश नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हर मोटर के हर पंखे के अंदर बार्निश ज़रूर करता हूँ। बार्निश करने से बस ये दिक्कत रहती है कि अगर हमें कभी रिपेयर करना पड़ता है तो बार्निश करा हुआ होता है एल्युमिनियम के ऊपर, तो फिर वो रिपेयर नहीं होता। फिलहाल हम इसकी लीडर निकालने के बाद इसके ऊपर बार्निश कर देंगे। तो फिर इस डेटा के हिसाब से आप 14+14 कॉइल के 14 mm के स्टेटर की रिवाइंडिंग कर सकते हैं। अगर स्टेटर 12 mm का, 13 mm का या फिर 15 mm का है तब भी आप यही डेटा यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे वो 2.5 mFD का भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप 3.25 mFD का भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।